हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जी के नाइस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको अपडेट मिलने वाली है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर। या फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से दो रिजल्ट जारी किए गए हैं। कौन कौन से रिजल्ट जारी किए गए हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। चैनल अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। तो ये है राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी पद के 32 पद हैं। और आपको बता दें, इसमें अनारक्षित 18, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए 6 पद और उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 8 पद आरक्षित, क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत महिला हेतु 6 पद और 1 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। ये विज्ञापन संख्या 2014-15 में जारी किया गया था। तो इसका रिजल्ट जारी किया गया है। और आपको बता दें, अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 22 और 23 जुलाई 2021 को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 2 बजे को संपन्न किया गया। साक्षात्कार में कुल 76 अभ्यर्थी उपस्थित हुए और अब ये रिजल्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रविशंकर तिवारी पहले नंबर पर हैं। तो ये रिजल्ट जारी किया गया है। चलिए दूसरा रिजल्ट देख लेते हैं। और दूसरे रिजल्ट की बात की जाए, ये जो रिजल्ट जारी किया गया है 10 पदों के लिए किया गया है। लखनऊ शोध अधिकारी पदों के लिए इसमें अनारक्षित 5 पद थे, उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद और अनुसूचित जाति के लिए 2 पद आरक्षित थे। क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए 2 पद आरक्षित हैं। ये 2014-15 में जारी किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका भी जो है साक्षात्कार 9 अगस्त 2021 को 10 बजे से 2 बजे तक संपन्न किया गया था। तो यहाँ पर सफल घोषित किए गए हैं, 52 अभ्यर्थी इसमें उपस्थित हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा रिजल्ट दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 2 रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।